Hey guys, welcome back to my channel. आज का जो वीडियो है उसमें हम जाने वाले हैं एक कैफ़े जो अभी बनने वाला है और भाई उसका इंटीरियर कर रहा है. तो अभी मम्मी भी है साथ में और भाई ड्राइवर हमारा जो ड्राइविंग कर रहा है. ऑलवेज द ड्राइवर. अरे रुक गया, हम मच्छर. हाँ मच्छर निकल गया, बंद कर. निकल गया. इस पर पैन नहीं लगाने का. तो अभी वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ जाके देखते हैं कैसा हुआ है. अभी स्टार्ट ही हुआ है तो मैं स्टार्टिंग वाला दिखाता हूँ, फिर आपको जब बन जाएगा तब पुराना दिखाऊंगा उसका. तो चलते हैं वहाँ पे. तो अभी हम जा रहे हैं कैफ़े की तरफ और फिर वहाँ जाके देखते हैं कैसा बना है. और मेरे भाई से तो आप मिल ही चुके हो. ये एक्चुअली में बहुत काम करता है, इसका बिजनेस है. तो ये इंटीरियर वर्क भी करता है, पेंटिंग्स भी बनाता है और स्कल्पचर भी बनाता है, म्यूरल्स बनाता है. तो काफ़ी काम है इसके. घर में आपने पेंटिंग्स देख ही ली होगी जो मैंने पिछले व्लॉग में कवर किया था, वो पेंटिंग सारी इसी ने बनाई है और आपको अच्छी भी लगी होगी. काफ़ी रियलिस्टिक पेंटिंग बनाता है. तो अभी हमें जहाँ आना था वहाँ पर आ गए हैं और उतर के चलते हैं देखने के लिए. ऊपर है, एक तरह से 7th फ्लोर पे आप कह सकते हो. तो ऊपर जाना पड़ेगा फिर उसके लिए. तो हम लिफ्ट से अभी ऊपर जा रहे हैं. हम ऊपर आ चुके हैं और ये अभी मैं दिखाता हूँ. काफ़ी बड़ा स्पेस है ये, आप देखो यहाँ पे रूफ टॉप पूरा. ये काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे, ये पूरा रूफ टॉप है. ये थोड़ा सा प्राइवेट एरिया है आई गेस, मुझे अभी इसके बारे में पूरा पता नहीं है. तो यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं वो आने वाले हैं तो फिर उनसे पूछेंगे कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे. ये देखो साउंड जो है वो चालू हो चुका है, अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि साउंड कैसा आता है. इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है. तो बॉक्स जो लेके आया आई थिंक ये ओल्ड है. मेरे साथ हैं यहाँ पे साइट के सुपरवाइज़र जो हैं अश्वनी. आपका नाम अश्वनी है राइट? ओके हेलो. तो ये मुझे बताने वाले हैं यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी पूरा हुआ नहीं है तो इसके बारे में. तो आप मुझे बताइए स्टार्टिंग से, जैसे कि हम यहाँ से एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद ये जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया कौन सा है? यहाँ पर क्या सेल्फी गेट आता है यहाँ पर. आपको ब्लॉक है ये जो है यहाँ पे, यहाँ पर ये भी एंट्री है. यहाँ से हमारा गेट दूर है और उसके पीछे मॉल है वो भी क्लोज है. ठीक है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं अंदर. एंट्री करते जैसे अंदर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर हमारी आपका देखते हैं यहाँ पर सिटिंग है. यहाँ कबानाज है, दो टाइप के कबानाज है. ये आपका बंद कबाना है, ये आपका ओपन कबाना है. अच्छा,
है ना, ये इसको ये लोहे लगे हुए हैं, ये बंद है, ये ऊपर से बंद होंगे, साइड से भी क्लोज होगा? नहीं नहीं, साइड से क्लोज नहीं होगा, साइड से डेकोरेटिव और ग्लास ग्लास का यूज हो सकता है, बट ये हाँ ओपन रहेगा, ये ऊपर से क्लोज होगा केवल, बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड सीटिंग यहाँ पर है, ये आपका ओपन सीटिंग है, यहाँ पर जो बीच में आप देख रहे हैं 8x8 का जो एरिया आ रहा है उसमें ओपन सीटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो बेस है ये पूरा वुडन फ्लोरिंग, हाँ ये वुडन फ्लोरिंग से हम इसको कवर कर रहे हैं, वुडन फ्लोर से कवर कर रहे हैं इसको, और पूरा हम यहाँ सब नीचे आ जाते हैं। दो स्टेप हो सकती है, तीन स्टेप हो सकती है, यहाँ पे लेके हमने एक दो तीन तीन कबाना के बीच में सीटिंग रखी है, बाकी चौथे कबाना पे हमने फिर से दोबारा सीटिंग रखी है, ठीक है ना, ठीक है। उसका यहाँ पर हमने सीटिंग दी है, यहाँ पर आगे छः इंच के आगे हम बढ़ेंगे, फिर टेप पे हमने बिठाने की उसको आधा स्टेप इस तरह का आधा ऊपर रहेगा, ठीक है। पीछे आपका पूरा कर्म कंडीशन है, यहाँ पर बॉक्सिंग डिस्टेंस भी आ गया, यहाँ कितने लोगों की सीटिंग होगी? यहाँ अप्रॉक्सीमेटली अगर सारी सीटिंग को मिलाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200, और इस स्पेस में इस स्पेस में अगर आप देखते हैं तो 60 लोगों की सीटिंग यहाँ पे है, ये पूरा कबाना वाला जो एरिया है, ठीक है। अब हम आते हैं सोने वाले सेक्शन में, सोने वाले सेक्शन में हमारा शीशा कबाना वो का के लिए है, तो वहाँ पे कितने लोगों की सीटिंग है? वहाँ अप्रॉक्सीमेटली 20-25 लोगों की सीटिंग है, 20 लोग। तो वो सेंटर में टेबल होगा, साइड में सेंटर में थोड़ा सा डिज़ाइन अभी आना बाकी है, बाकी ये जो भी हम क्या है सीटिंग चार तरफ फिटिंग दे रहे हैं, ठीक है ना, और एक सर्वर के लिए अलग से पॉइंट दे रहे हैं, सर्वर का आपको शर्ट करें पूरा, ठीक है सारी चीज़ें। फिर ये हो गया हमारा डिस्क वाला सेक्शन, ये डिस्क वाला, ये डिस्क वाला सेक्शन है, इसका सी लाइव परफॉर्मेंस के लिए स्टेज किया हुआ है, बट लाइव परफॉर्मेंस के लिए ये छोटा नहीं है? नहीं नहीं सर, छोटा नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन आज के डेट में उतना लिमिटेड हो गए हैं, एक इंस्ट्रूमेंट अगर लेकर खड़ा जाता है उसमें सारी चीज़ें कंबाइंड होती हैं, ओके ठीक है ना। ये लाइव परफॉर्मेंस के लिए एरिया है, यहाँ पे डेस्क होगा, स्पीकर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लगाया हुआ है, ये तो बस थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन चल रहा है इसका, अभी तो ये चेकिंग चल रही है, मैं आपको बताया था टेस्टिंग चल रही है। हमारे हाँ आप देखेंगे तो इसके पीछे हमने डिस्प्ले और दे रहे हैं, इसका साइज 15x8 का है, 15 फीट चौड़ी है आपकी और 8 फीट हाइट में, ठीक है। वो डिस्प्ले दे रहे हैं यहाँ पर प्रोजेक्टर डिस्प्ले, 4K इस क्वालिटी में देंगे इसको, ठीक है। जबकि जो भी परफॉर्मेंस होगा लाइव अगर उसको देखना भी सकते हैं, तो उसमें कराओके वाला भी फंक्शन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर अब जो हम लोग खड़े हुए हैं, ये हमारा डीजे फ्लोर है, पूरा यहाँ पर हमारा ये पूरा फ्लोर जो है, ये पूरा डीजे वाला डीजे फ्लोर है, पूरा यहाँ पे डिस फ्लोरिंग होगी अच्छे से, अभी हुआ नहीं है। ये टू स्टेप में है, ग्राउंड स्टेप में आपका बार है, ग्राउंड स्टेप में आपका बार है, ठीक है। और आपको अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर डीजे चौकी सेटअप, डीजे सेटअप हमारा यहाँ से कंट्रोल होगा टोटल, यहाँ पर आपका चौकी खड़ा होगा, ऊपर की तरफ टू स्टेप में है, टू स्टेप में ये मचान बन जाएगा यहाँ पर आधे स्टेप में, और ये आपको तीन पोल दिख रहा है, हाँ इनसे ऊपर हमारे डीजे का सेटअप है, बाकी नीचे हमारा बार काउंटर है, अच्छा ये बार काउंटर, ठीक है। और सामने हमारा किचन सेक्शन है पूरा, तो अब हम किचन सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये सेक्शन किचन सेक्शन है, राइट। तो ये हमारा किचन सेक्शन है, तो यहाँ पे मतलब कुकिंग पर जो भी हमारे जो भी हमने प्रोडक्ट रखे हुए खाने की सारी वैरायटीज है वो यहाँ पर आपकी मेकिंग में पूरा करा, तो इसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, मतलब चिलर सेक्शन और फिर कुकिंग, काफी सारे सेटअप हैं इसके, सारे इसमें लगेंगे, फ्रीजर वगैरह जो भी सेक्शन है वो सारे यहाँ सेट होने हैं, उसका ड्राइंग आ चुका है, वो ड्राइंग सेट होना है, ठीक है। ये सेक्शन देख रहे हैं, ये हमारा सिंक सेक्शन है पूरा,
ये प्रोटेस्टिंग सेक्शन है। अच्छा, जो भी क्रॉकरीज ग्लास वगैरह जो भी है वो सफाई के लिए प्रोटेस्टिंग सेक्शन दिया हुआ। ये हमारा स्टोर सेक्शन है, आप देख रहे हैं ये स्टोर सेक्शन है। यहाँ पे जो भी हमारी नीड की जो भी किचन से रिलेटेड जो भी आइटम्स है, हमारे जो भी प्रोडक्ट है ये ठीक है बल्क में, वो हमारे स्टोर सेक्शन में रहेगा। ठीक है, बाहर निकलते ही हमारा लेफ्ट सेक्शन जो ये केबिन है, काफी अच्छा केबिन जैसा सिस्टम लगा है, केबिन सिस्टम है यहाँ पर। इस केबिन में भी आपका क्या नाम है, 8-10 पर्सन की सेटिंग है। अच्छा, ठीक है, ये ऊपर से तंबू स्टाइल में केबिन है पूरा। ठीक है, पूरा ऊपर से कवर्ड होगा ये पूरा, और तंबू स्टाइल में कवर्ड होगा पूरा। और सेटिंग कैसे होगी इसकी? सेटिंग आपकी यहाँ पर यू शेप में सेटिंग रहेगी। आप यहाँ पर आते हैं जो आप वाइट सेक्शन देख रहे हैं जितना भी, इस पर हम सीटिंग दे रहे हैं यू शेप। ओके, ठीक है, और यहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं ब्लैक सेक्शन है, यहाँ पर हम टेबल दे रहे हैं, और टेबल भी हम यू शेप में ही दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर डोर दे रहे हैं आगे, डोर क्लोज होंगे यहाँ पर। ठीक है, डोर होगा और कर्टेंस होगा? नहीं, डोर डोर होगा, क्योंकि कर्टेंस ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो चीज़ और दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास है इसमें भी आप देखेंगे तो 50% की सेटिंग है। 50 ओके। और अगर आप जो फॉरवर्ड सेक्शन देख रहे हैं वो बेसिक नीड है आपका, वॉशरूम है। ठीक है, कॉर्नर सेक्शन की तरफ ये भी हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन हम एंट्री करते हैं हमारा वीमेन सेक्टर है, लेडीज बाथरूम है। देन यहाँ से ये यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगा आदमी, इधर से हमारा एंट्रेंस अंदर के लिए है, बेसिकली मतलब वॉशरूम है। यहाँ पे दो हमने क्या नाम है लैट्रिन्स बनाई हुई है, डब्ल्यूसी बनाई हुई है, और आपका क्या नाम है पूरा दिया हुआ है। और अंदर हम जब एंट्री करते हैं तो हमने इधर मेन्स सेक्शन लगा दिया हुआ है, मेन्स बाथरूम है, टॉयलेट बाथरूम पूरा कम्बाइंड है। और कॉर्नर में हमने स्टाफ के लिए एक्स्ट्रा बाथरूम दिया हुआ जो आज की डेट में किसी भी रूफ टॉप पर कहीं भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या सबसे बड़ी स्टाफ के लिए सबसे बहुत बेसिक नीड है, स्टाफ के लिए भी जरूर होती है। वो स्टाफ के लिए अगर बाथरूम नहीं है तो वो दिक्कत होती है कि जो कॉमन बाथरूम है वो कॉमन बाथरूम को कॉमन ही बना देते हैं उनको। सही बात, ठीक है ना। और अगर ये एरिया देख रहे हैं सामने वाला, ये किटी एरिया है, अप्रोक्सीमेटली 30-35 लोगों की या 40 लोगों की सेटिंग के लिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी कोई बर्थडे पार्टी है, लेडीज होती है अपनी किटी पार्टी होती है। ये जो है ये पार्टी के लिए सेक्शन है पूरा, यहाँ पे आप प्राइवेट पूरा बुक करके पार्टी कर सकते हो, बर्थडे पार्टी और किटी पार्टी जो भी है, तो उसके लिए बनाया हुआ है। और प्लस ये रूफ टॉप पे तो यहाँ पे एयर भी काफ़ी अच्छी चलती है, सिक्स फ्लोर का यहाँ पर काफ़ी क्लीन और फ्रेश एयर। हाँ, पॉल्यूशन का बहुत लेवल थोड़ा सा बहुत कम होगा यहाँ पर। और ये मतलब लगभग लगभग कितना टाइम लग जाएगा इसको? अप्रोक्सीमेटली अब जिस स्पीड से काम चल रहा है उस स्पीड से तो हम लगभग 2-3 महीने कंप्लीट कर लेंगे। 3 महीने तो अभी ये 3 महीने लग जाएंगे इसको बनने के लिए, 3 महीने का टाइम है। उसके बाद हम देखेंगे कि पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये कैसा लग रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ नहीं बेसिकली, तो जितना हो सकता मैंने इसे समझा। और बाद में आने के बाद देखते हैं कि कितना चेंजेस आए, क्या हुआ, और बाद में ही अच्छा लगे आपको पता चलेगा कि जिस हिसाब से बोला है उस हिसाब से हुआ है कि नहीं। ओके, थैंक यू। तो ये जो रूफ टॉप है इसमें मेरे ख्याल से ये जो डेस्क है मैंने आगरा में कहीं ऐसा देखा नहीं है जिसमें ओपन रूफ टॉप के ऊपर कोई डेस्क हो, आई थिंक ये पहला ही होगा आगरा में। तो वही चीज़ थोड़ा यूनिक है कि मतलब यहाँ पे आगरा में रूफ टॉप में कोई डेस्क नहीं है। हाँ, यहाँ पर आपको 7 डे डीजे का एंजॉय कर सकते हैं। ओके, डीजे प्लस फ्लोर प्लस डिस्क, 7 डेज आप वीक में 7 डेज आप इसका एंजॉय कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा भी कुछ है मतलब जैसे वीकडेज और वीकेंड में कुछ? हाँ, वीकडेज में हम थोड़ा सा स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस भी रखेंगे और सारी चीज़ें भी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मैं मोस्टली क्या जितने भी रूफ टॉप है वीकेंड पर ही कुछ ना कुछ हाँ वो एक्टिविटीज होती रहती है। बट यहाँ पे क्या है कि हम वीकेंड में मतलब वीकेंड तो होगा ही होगा, प्लस के साथ वीकेंड के अलावा जो और भी डेज है वहाँ भी कुछ ना कुछ स्पेशल आपको मिलेगा। स्पेशल मिलेगा,
तो आगरा के जो लोकल लोग हैं आप देख सकते हो ये नया खुलने वाला है, तो आप लोग यहाँ पे आइए और एंजॉय कर सकते हैं। इसके पीछे ये है जो कैमरा में आना नहीं चाहते मेरे भाई। आप इनसे मिलिए, नाम ये हमारे भाई हैं जो यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, और इनके लिए आपको पर्सनली आपको इनसे मिलना पड़ेगा कि क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं।